जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मलेरिया से बचने चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान, तो वहीं दर्जन भर सीआरपीएफ जवानों को हुआ मलेरिया। जिला अस्पताल में जवानों को किया गया भर्ती, चल रहा है उपचार। जिला अस्पताल में पानी के लिए मचा हाहाकार, 4 दिनों से जिला अस्पताल में ठप है पानी की व्यवस्था। भीषण गर्मी के दौर में मरीज और उनके परिजन पानी के लिए हो रहे परेशान। वार्ड नंबर 17 की आंचल का सार ने नीट परीक्षा में 720 में से प्राप्त किए 644 अंक। अच्छा, सांस के कॉलेज लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करेगी आज। वाराणसी के 13 ग्रामों की नल जल योजना के टेंडर हुए निरस्त। जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही थी पानी की टंकी, ग्रामों में बनेगी अब पानी की समस्या। बैयर चौकी सरेखा बाईपास में विद्युत विभाग के द्वारा किया 33/11 के बीच सब स्टेशन का भूमि पूजन। नगर सहित 11 गांवों को मिलेगा सब स्टेशन का लाभ, वोल्टेज की समस्या से मिलेगी निजात। रक्तदान दिवस पर कम हुआ रक्त, दाताओं का उत्साह। दिन विशेष पर महज 6 यूनिट रक्त किया गया था। शहर के बैयर चौकी सरेखा बाईपास पर 33/11 केवी लाइन के सब स्टेशन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें शहर के लगभग आधा दर्जन वार्ड व 11 गांव इस सब स्टेशन से लगने से लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से शहर के लगभग आधा दर्जन वार्ड जो बैयर चौक बाईपास से लगे हुए हैं, वहीं बैयर चौकी से सटे लगभग 11 गांव जहां पर विद्युत आपूर्ति को लेकर हमेशा समस्या बनी हुई रहती थी, जिस पर विद्युत विभाग के द्वारा आमजन की समस्या को देखते हुए सरेखा बाईपास पर सब स्टेशन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन करवा कर जल्द ही विभाग के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और जहाँ जहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारी बस्ती बड़ी हो रही है, संख्या बढ़ रही है, 33/11 सब स्टेशन हमको मिला है, जिसकी लागत 2,75,00,000 रुपये है। इस भेंट पर मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे ऊर्जा मंत्री तोमर जी को और हमारे विद्युत मंडल के अधिकारियों को जनरल सजगता के साथ में अपनी मांग को रखा शुभकामना देना चाहूँगा, बधाई देना चाहता हूँ। आज बैयर रोड पर बालाघाट में नए 33/11 के वी सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन मुख्य अतिथि रहे। और इस भूमि पूजन के बाद यहाँ पर नए सब स्टेशन का जल्द ही निर्माण कार्य मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर मैं, जो कि 36 वार्ड यहां के इस सब स्टेशन से लाभान्वित होंगे। नीट की परीक्षा में बालाघाट शहर के रहने वाली आंचल कसार ने 720 में से 644 अंक प्राप्त किया है। इसके साथ ही देश में उनका 8,762 स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता सहित अपने जिले का भी उन्होंने नाम रोशन किया है, जिसमें उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ ही अपने गुरुजनों को दिया है। आपको बताएं कि 2023 में नीट एग्जाम में सफल होने वाली आंचल कसार, जो कि बालाघाट के वार्ड नंबर 17 में रहने वाले पूर्व पार्षद अंजू अनिल कसार की बेटी है, जिनके द्वारा यह परीक्षा में 720 में से 644 अंक प्राप्त कर देश में 8,762 स्थान प्राप्त किया है, जिसकी जानकारी लगते ही आंचल के घर परिवार में बधाई देने वालों का तांता लग गया और आंचल के परिजन व रिश्तेदारों के द्वारा आंचल को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए आंचल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने परीक्षा 7 मई 2023 को बालाघाट में दी थी और उनके द्वारा 644 अंक इस परीक्षा में प्राप्त किए और वहां अब एक अच्छे शासकीय कॉलेज की कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जिसमें उन्हें आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सके। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान यह भी बताया कि उन्होंने इसके पहले 2022 में भी यह परीक्षा बिना कोचिंग की दी थी जिसमें उन्हें 511 अंक प्राप्त हुए थे, किंतु उनके द्वारा इस परीक्षा में और अच्छा करने के उद्देश्य से एक वर्ष बाद फिर तैयारी की गई और 2023 में पुनः यह परीक्षा उनके द्वारा दी गई थी और इस परीक्षा को लेकर उनके द्वारा सफलता का श्रेय अपने गुरुजन व अपने माता पिता को दिया और उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें 600 प्लस अंक इस परीक्षा में प्राप्त होंगे और वही सोचते हुए उनके द्वारा इस सफलता को प्राप्त किया गया। आंचल ने अन्य बच्चों से भी यह अपील की कि इससे भी अधिक अंक लाया जा सकता है, यदि हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। राइट, आंचल कसार। आंचल की माँ पूर्व पार्षद अंजू अनिल कसार बताती है कि उनकी इस सफलता के पीछे उनकी बिटिया की कड़ी मेहनत और परिश्रम है और इसके पीछे उनके घर परिवार का कोई हाथ नहीं है। उनके परिवार वाले उन्हें सिर्फ सपोर्ट करते थे और उन्हें जैसे ही बीती रात पता चला कि उनकी बिटिया के द्वारा नीट की एग्जाम पास करते हुए अच्छे अंक नंबर लाए गए हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। वहीं उन्होंने अपनी बिटिया के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। उनके द्वारा यह कहा गया कि उनकी बिटिया की जो भी बनने की इच्छा है उसे बनाने के लिए उनका पूरा परिवार उनके साथ में है, उनसे जितना बन पड़ेगा वो अपनी बिटिया की सहायता करेंगे। ये 7 मई 2023 को हुआ था कंडक्ट बालाघाट में ही और इसमें मेरे 644 मार्क्स आए हैं। अच्छा, आप जैसे कि आपने अभी आगे के लिए क्या सोचा है, क्या किस प्रकार के कॉलेज के लिए सोच रहे हैं? मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रही हूँ, गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसमें MBBS कोर्स के लिए। अच्छा, ये आपने पहली बार दिया था या? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहली बार आपने कब दिया था? पहली बार मैंने 2022 में दिया था। उसमें किस प्रकार के परिणाम आए थे और फिर उसके बाद अभी फिर आपने दिया? जी, उसमें मेरे 511 नंबर थे। अब मुझे ऐसा लगा कि थोड़े मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। हट्टा थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपने वृद्ध पिता को गैती से मारकर उसकी हत्या कर दी। वही अपनी वृद्ध माँ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 14 जून की शाम 6:30 बजे करीब यह वारदात इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुनई में हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही हट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल वृद्धा कविता पति रूपचंद मेश्राम 60 वर्ष को जिला अस्पताल लाया गया जिसकी भी हालत गंभीर बताई गई। पुलिस ने मृतक रूपचंद पिता बेनीराम मेश्राम 64 वर्ष की लाश अपने कब्जे में ले लिया है। 14 जून की शाम 6:30 बजे करीब सरोज मेश्राम अपनी मां से घरेलू बात को लेकर विवाद कर रहा था। उसी समय रूपचंद उसे डांट फटकार लगा दी थी कि जिससे गुस्सा होकर सरोज ने घर में रखे गैती फावड़े से अपने पिता रूपचंद पर वार कर दिया और बचाव करने जब उसकी मां कविता भी आई तो सरोज ने उस पर भी उसी से वार कर दिया। सरोज के द्वारा गैती पावड़ा चलाने पर उसके पिता रूपचंद मेश्राम की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही हट्टा पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल कविता बाई को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक रूपचंद मेश्राम की लाश अपने कब्जे में लेकर जानकारी के मुताबिक मामले में सरोज मेश्राम को अभिरक्षा में ले लिया गया है। वहीं मृतक रूपचंद मेश्राम की लाश जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही थी। यही भी बताया कि 9:45 बजे करीब घायल कविता मिश्रा को जिला अस्पताल लाया गया। उस समय जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में कोई ड्यूटी डॉक्टर उपस्थित नहीं था। जानकारी के मुताबिक 14 जून को 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक ड्यूटी करने वाले चिकित्सक के आने के बाद रात्रि 8 से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करने वाले चिकित्सक 1 घंटे बाद भी जिला अस्पताल नहीं पहुंचा। रात्रि 9:45 बजे जब कविता मिश्रा को जिला अस्पताल लाया गया सिर्फ उस समय नर्स ही जिला अस्पताल में थी। खबर मिलने पर RMO डॉक्टर वर्षा चौबे तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंची और घायल कविता मेश्राम का उपचार किया। एक ओर शासन प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में जन जागरूकता अभियान चलाकर जिले में मलेरिया की रोकथाम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लाख एहतियात के बावजूद भी मलेरिया के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां मच्छरों के काटने से लोगों को बुखार के साथ साथ मलेरिया हो रहा है और मलेरिया के मामले इन दिनों काफी इजाफा हो रहा है। ताजा मामला लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस चौकी सुलसुली का है जहां तेंदुपत्ता सीजन में जंगलों में काम कर रहे जवान लगातार मलेरिया की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि लांजी के सुलसुली चौकी क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुपत्ता सीजन में ड्यूटी कर रहे 12 जवानों की रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव आई जिस पर जिन्हें एक साथ उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है।
जानकारी के अनुसार लांजी के सुलसुली चौकी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ाई, उसके फल और तेंदुपत्ता भंडारण का कार्य जोरों पर चल रहा है। जहां तेंदुपत्ता फल को नक्सलियों के आतंक से बचाने और आगजनी सहित अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस जवानों की जंगलों में ड्यूटी लगाई गई है। यहां तेंदुपत्ता की रखवाली करने के लिए रात्रि गश्त करने वाले सीआरपीएफ के जवान लगातार मच्छरों का शिकार बनकर बीमार हो रहे हैं, जिसमें करीब 12 सीआरपीएफ जवानों की जांच रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मलेरिया की बीमारी से एक साथ बीमार हुए सीआरपीएफ जवानों में विजेंद्र सिंह तोमर, वकील चंद, शिशुपाल सिंह, शैलेंद्र सिंह, लालचंद, विजय सिंह, लेद गोरख, आशीष त्रिपाठी, जयदीप सिंह, सुरेंद्र बनोटे और मनोज का समावेश है। इनकी जांच रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव आने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। कब से आप यहाँ भर्ती हैं? 2 दिन हुए। क्या हुआ? मलेरिया पीएफ। कितने जवान हैं और कहाँ के जवान हैं पूरे? ये टोटल 10 जवान आए हैं सुलसुली चौकी से। कौन सी पुलिस चौकी से? सुलसुली। थाना कौन सा पड़ता है? लालजी। तो क्या है यहाँ की व्यवस्था जिला चिकित्सालय की? उपचार वगैरह पर्याप्त बराबर मिल रहा है? उपचार वगैरह बराबर मिल रहा है, बढ़िया उपचार चल रहा है। क्या लगता है कि इतने जवान एक साथ एक ही चौकी के मलेरिया के प्रकोप में आ गए हैं? सर डेली बाहर ड्यूटी चल रही है, तेंदुपत्ता की समय जो ड्यूटी आ रही है, यहाँ नाइट होल्ड करना पड़ता है हम लोगों को, वहाँ जंगलों में सोना पड़ रहा है, इस वजह से मच्छरों का प्रकोप से मतलब ये हो रहा है सर। और इससे पहले भी और जवान वगैरह आए थे क्या? ना ये अभी हुआ, ये जब से तेंदुपत्ता ड्यूटी ज्यादा आई जब से ये ज्यादा हो रहा है। आपको अगर जिला अस्पताल में उपचार कराने आना है तो घर से पानी लाना पड़ेगा, यह कहना मरीजों के साथ उपचार कराने आए उनके परिजनों का है, जो जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के दौर में पेयजल की समस्या से 4 दिनों से पानी के लिए भटक रहे हैं, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में अब बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को भी तरसते देखा गया है। आपको बताया कि जिला अस्पताल को नगर पालिका के द्वारा 24 घंटे पानी की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन सप्ताह भर से नगर पालिका की यह व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, बमुश्किल आधे से 1 घंटा पानी उपलब्ध करा रही है, जो जिला अस्पताल के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके चलते अस्पताल में पानी के लिए हाहाकार की स्थिति बन गई है। जिला अस्पताल होने की वजह से यहां पर जिले भर के मरीज और उनके परिजनों का आना जाना लगा रहता है। गर्मी का मौसम होने की वजह से पानी की भी मांग बढ़ गई, कूलर में पानी की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा अन्य तरह के पानी के उपयोग भी बढ़ गए। जिला अस्पताल में वैसे तो हेडपम्प व कुएं में बोर लगे हैं, लेकिन वह सक्सेस नहीं है, और इसी के चलते यहाँ पर नगर पालिका की ओर से पूर्व में 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन सप्ताह भर से नगर पालिका की व्यवस्था भी चरमरा गई है, जिसका खामियाजा यहाँ के मरीज परिजन सहित पूरा प्रबंधन को भुगतना पड़ रहा है। लोग अपने घर से पानी लेकर पहुँच रहे या फिर बस स्टैंड या अन्य स्थानों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, इस ओर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। मिल रहा है पानी? नहीं, बहुत कम आ रहा है ना। नहीं, आज बहुत कम पानी आया। पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मगर आज नहीं मिला पानी। आज भी नहीं मिला? क्या, कहाँ से आप? लाल बरस। लाल बरस, यहाँ पानी है फ्रीजर में? नहीं। कहाँ से ला रहे पानी अभी आप लोग? सरेगा कोस में गए थे लाने के लिए मामा जी के। अच्छा, यहाँ पानी है कि नहीं? नहीं। कब से नहीं मिल पा रहा पानी? हम तो 5 दिन आ रहे हैं, मतलब 5 दिन से यहाँ है, तो एक टाइम मिलता है सुबह, दूसरे मिलता ही नहीं। आपको सर नहीं मिला? मैं तो आया आज 8 दिन हो गए। 8 दिन आने के बाद में 1 दिन पानी मिलता है, 1-1.5 घंटा पानी मिलता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। सिर्फ दिन में पानी मिलता है? हाँ, वो भी दिन में 1-1.5 घंटा मिलता है, पूरा दिन भर भी नहीं, उसके बाद में बंद हो जाता है, पूरा रात ऐसे जाता है, 2-3 दिन जल जाता है, उसके बाद फिर चालू करते, 1-1.5 घंटा चालू कर देते, फिर बंद कर देते, वही हाल है। अच्छा, वही है। उसके अलावा? उसके अलावा अभी कुछ नहीं, पानी मिल ही नहीं रहा है, आज तो पानी आया ही नहीं दिन भर, रात में अभी अभी। तो पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए, जल ही तो जीवन है, क्या करेंगे, भारी गर्मी में पानी की समस्या। मैं पानी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों, कहाँ जा रहा हूँ पानी के लिए? पानी के लिए इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ के हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, कब मिलता है पानी वहाँ? यहाँ पर है कि नहीं पानी? पानी यहाँ नहीं है 4 दिन से, और नगर पालिका की गलती पाया जाता है, यहाँ हॉस्पिटल की परिस्थिति के किसी डॉक्टर किसी अधिकारी की नहीं गलती पाया जाता है, क्योंकि नगर पालिका का नल ही नहीं खुल रहा है, इसलिए पानी नहीं मिल रहा है। ये 4 दिन से समस्या बनी? जी, 4 दिन से समस्या बनी है, और नगर पालिका की ही गलती है जो यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। ये तो बताइए कि अपन पानी फिर पानी के लिए क्या करना पड़ रहा है? पानी के लिए सर दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है या हेडपम्प जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाकर पिया जाता है। कि बालाघाट जिले के यहाँ पे पानी की अव्यवस्थाएँ और ये जो फ्रीजर वगैरह लगे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी पानी
चार दिनों से कम नहीं आ रहा है। निरंतर पानी के अभाव में यहाँ पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से विभिन्न प्रकार विभिन्न ब्लॉकों से कस्बों से आए हुए पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं और उनके अटेंडेंट यहाँ पे ये सो रहे हैं और ये हम लोगों के साथ में अभी सभी एकत्रित हुए हैं कि ये समस्या है, इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो सके। हम चाहते हैं कि अगर पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग में नहीं आ रहा है, तो कम से कम यहाँ पे नगर पालिका के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि नगर पालिका से कम टैंकर की व्यवस्था एक दो कर देते तो ये इन लोगों को कम से कम पानी पीने की व्यवस्था हो जाती। ऐसी भी व्यवस्थाएँ शासन प्रशासन द्वारा किया जा सकता है, पर ये चार दिन से ये जो लोग हैं ये निरंतर सफ़र कर रहे हैं, पानी के अभाव में यहाँ पे निरंतर सो रहे हैं, रह रहे हैं, और इनकी आवाज़ों को हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये अव्यवस्थाओं पे केंद्रित होके हमको काम करना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं साथ इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा भी की गई और नगर पालिका प्रशासन को पत्र भी लिखा गया। पानी की समस्या का निदान नहीं हो सका है। मरीजों के परिजनों ने पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए इस व्यवस्था को ठीक करने की मांग की। लापरवाही मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, पहले हमको 24 घंटे नल की सप्लाई थी हॉस्पिटल के लिए, विशेष रूप से नगर पालिका देती। तब तो हमारे को कोई समस्या नहीं थी। जब से उनका टाइमिंग सेट हो गया उसके बाद से हमको समस्या चालू हो गई। बोरिंग हमारे सक्सेसफुल नहीं है। बोरिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके इधर तो चढ़ा देते हैं, लेकिन पीने का पानी, हम बोरिंग वाला जो पानी है वो पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल नहीं दे सकते, आरओ खराब हो जाएगा उसमें। सर, आपने चर्चा तो की होगी, क्या कुछ चर्चा की है? मैंने लिखित में भी भिजवाया हूँ, ये समस्या का समाधान नहीं है। कल परसों में ये सब हुआ है, मैंने लेटर भी लिखा, अभी दो तीन दिन से ज़्यादा समस्या है। अभी तक चल रहा था, पानी मिल रहा था, दो घंटा चला देते थे तो हमको पानी मिल जाता था। अभी शायद दो घंटा भी नहीं चला पा रहे हैं, आधे घंटे में हमारे हॉस्पिटल का तो पूरा नगर पालिका से ही पानी पूरा सप्लाई होती थी। नगर पालिका से ही सप्लाई होती, पहले पूरा 24 घंटे चलता था तो हमको कभी समस्या नहीं जाती थी हॉस्पिटल में। नगर पालिका की वजह से ये कहना नहीं, वो नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक समस्या है, उनको भी सब जगह सप्लाई करना है, लेकिन हॉस्पिटल में एक टॉप प्रायोरिटी पे, तो मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको पानी दिया जाए। करीब 10 दिन पहले मोटर जलने के कारण नगर पालिका की जल प्रदाय व्यवस्था काफ़ी व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई थी, तो उस टाइम पर हमारे कांग्रेस के पार्षद और भाजपा के पार्षदों ने मिलकर अध्यक्ष जी के साथ मिलकर ये निर्णय लिया था कि पुरानी लाइन को बंद कर दिया जाए। चूँकि पुरानी लाइन से काफ़ी कनेक्शन है, इसलिए हमने पुरानी लाइन को बंद नहीं किया। जो हॉस्पिटल में पानी जाता है वो पुरानी लाइन से जाता है और उसके बाल लीकेज होने के कारण वहाँ पर 24 घंटे सप्लाई होती रही है, किंतु अभी हम उनको सुबह 4 से 8 और शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पानी दे रहे हैं। 8 घंटे उनको पानी दिया जा रहा है। इसलिए हॉस्पिटल प्रबंधन ने आरोप लगा रहा है कि ये नाकाफी व्यवस्था है, 8 घंटे की, उससे मरीजों को पानी नहीं मिल पा रहा। नहीं, इसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन को अपनी टंकी या स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि निकाय की जो जल संग्रहण की क्षमता है वो उतनी नहीं है। पहले पुरानी टंकी से, पुरानी लाइन से जो पानी जा रहा था उसमें काफ़ी लीकेज होने के कारण ही हम नई लाइन से पानी नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए डिसीजन लिया गया कि जहाँ पुरानी लाइन से ज़्यादा लीकेज है उनको बंद किया जाए, और हम 8 घंटे पानी दे रहे हैं तो ये सफिशियंट पानी जा रहा है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बघोली में 2 दिन से लापता इसी ग्राम की 20 वर्षीय लड़की कुमारी लक्ष्मी पिता महेश प्रति की लाश उसी के घर के पास बाड़ी में स्थित कुएं से बरामद की गई है। इस लड़की की कुएं में गिरने से मौत हुई है या फिर उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही। बताया गया कि घरेलू काम को लेकर लक्ष्मी को उसके माता पिता डांट फटकार लगाते रहते थे। 11 जून को लक्ष्मी को उसके माता पिता ने घरेलू बात को लेकर डांट फटकार लगाई थी, जिसके बाद शाम 5 बजे से लक्ष्मी घर से लापता हो गई। परिवार वालों के द्वारा लक्ष्मी की लगातार खोजबीन की जा रही थी। जान पहचान और रिश्तेदारी में भी काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी लक्ष्मी नहीं मिली। 13 जून को सुबह 7 बजे घर के बाड़ी के कुएं में लक्ष्मी का शव देखा गया, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता महेश परते ने रामपाली पुलिस थाने में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस लड़की की कुएं में गिरने से मौत हुई है या फिर घरेलू विवाद के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या की है, अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जाँच की जा रही है। वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, ऐसे में चारों ओर धूप की तेज किरणों से लोग हलाकान हैं।
तो वहीं इस दौरान सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल की बनी हुई, जिसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं कि हर घर नल हर घर जल का नारा लगाते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कार्य भी किए जा रहे हैं। परंतु ये सब उस समय खोखले साबित हो रहे जब ग्राम पंचायत व ग्रामों में स्वीकृत की राह देख रही नल जल योजनाओं को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से बालाघाट जिले में करीब 457 नल जल योजनाओं के टेंडर निरस्त कर दिए गए। इसी कड़ी में वारासुनी विकासखंड के अंतर्गत करीब 13 ग्रामों के 4 टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि वारासुनी विकासखंड के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान निकाली गई विकास यात्रा व स्थानीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा उक्त 13 ग्रामों में नल जल योजना का भूमि पूजन कार्य संपन्न किया गया था, जिसे भोपाल से स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य किया जाना था, परंतु स्वीकृति प्रक्रिया के बाद उक्त ग्राम पंचायतों की नल जल योजनाओं को अस्वीकृत कर निरस्त कर दिया गया है। वारासुनी विकास खंड के अंतर्गत 13 ग्राम की नल जल योजना के लिए 4 टेंडर निकाले गए थे, जिसमें पहला टेंडर एकोड़ी बासी बघोली, दूसरा टेंडर पिपरिया सरंडी, तीसरा टेंडर पदमपुर पुनी खुर्सीपार आमगांव टुगियापार, चौथा टेंडर नांदगांव गट्टापायली महाराजपुर का था, जिसे जल जीवन मिशन के उच्च अधिकारियों के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उसमें अपने यहाँ के 4 टेंडर थे, 4 टेंडर में कुल 13 ग्राम थे। तो इनका क्या हुआ सर? अब यार ये तो अब निरस्त हो गए ना, आगे फिर टेंडर लगेंगे इसके। आगे फिर टेंडर लगेंगे? हाँ। सर इनका कारण क्या है? कारण ये है, आप खंड कार्यालय से प्राप्त हो गए, क्योंकि हमें कारण नहीं मालूम, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो खंड कार्यालय से होती है बालाघाट से। सर ये इनके टेंडर होने के बाद इनके भूमि पूजन हुए थे क्या? अपन विकास यात्रा में किए थे योजना को भूमि पूजन, तो उसके नहीं किए थे अभी, कुछ के हो गए थे। हाँ, कुछ के। तो अब अगले टेंडर में इसे किया जाएगा। हाँ।